हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाए कॉल 9769025411। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आज हम हैं 8 नंबर समाजवादी पार्टी के ऑफिस में। समाजवादी पार्टी के नेता सादिक पठान ने दी ईद की मुबारकबाद। आइए देखते हैं वीडियो। अपने किस अंदाज में अपने दर्शकों को आप मुबारकबाद देंगे ईद की? सबसे पहले तो मैं ईद की मुबारकबाद अपने अबू आसिम आज़मी साहब को दूंगा, क्योंकि उन्होंने ये आवाम के लिए इतनी फैसिलिटी दिया है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दिया है। नहीं मतलब किसी की चीज़ की कोई परेशानी नहीं, और अच्छे से देवनार में बकरा मंडी में सब कुछ हो रहा है और कुर्बानी भी अच्छे से हो रही है, क्योंकि मैं खुद जाके देख के आया। और आवाम से भी यही गुजारिश है कि कुर्बानी अच्छे से करे और किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, अपने 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 हिसाब से रखे, और ज़्यादातर जिनको हक है इसका उनको दिया जाए, तोल माप के ना दिया जाए। ताकि इस साल के ईद में सर आपने क्या देखा कि लोग शांतिपूर्वक से अपना त्यौहार मना रहे थे? शांतिपूर्वक से तो सब त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शांति से त्यौहार मनाने नहीं देते। जैसे क्या? जैसे कि बकरा नहीं काटो, बकरा नहीं ले जाओ, इधर ये नहीं करो, इधर ये नहीं करो। तो पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से हमारे त्यौहार को लेकर सपोर्ट कर रही है, और अभी का जो बंदोबस्त था बहुत अच्छा लगा। सर, मीरा रोड का एक मामला सामने आया है जिसमें बकराईद के मौके पर एक मुस्लिम परिवार ने एक कुर्बानी के लिए जानवर लेकर आया था, जिसमें वहां के सोसाइटी वाले लोगों ने, अन्य समुदाय के लोगों ने विरोध किया उसका, और उस पर कभी काफ़ी हंगामा हुआ। इस बात पर आप क्या कहना चाहोगे? ये तो जो वहां के लोग नहीं थे, ये बाहर के लोग आए थे जो नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन उसमें जय सिया राम के नारे भी लगाए गए। हाँ, जय सिया राम के नारे, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि बाहर के लोग आए थे, जैसे कि यहाँ वो दिन रैली में आए थे बाहर के लोग, मालोनी में भी यहाँ के नहीं थे जी। तो ये भी वैसे ही कुछ लोग थे जो बाहर से आए थे और उसकी कुर्बानी को भंग करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो लोग सक्सेस नहीं हुए उसमें, और कुर्बानी बाकायदा बराबर हुई। त्यौहार को लेकर आप जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? त्यौहार को लेकर जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा कि पूरी जनता जो अपने लोग हैं, सब त्यौहार अच्छे से मनाएं। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारकबाद और शुभकामनाएं। थैंक यू।